तो गाइस कहीं आपको फटाफट जाना है एंड आप बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल चाहते हो, पार्टी वेडिंग बन हेयर स्टाइल, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना बातें टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से हेयर लेना है इस तरीके से। मेरे चैनल पे आपको सेल्फ हेयर स्टाइल ज़्यादातर मिल जाएंगी एंड ब्राइडल वेडिंग बन सारा कुछ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को देखिए। तो इस तरीके से आपको फ्रेंच ब्रेड बनानी है सेंटर में। अगेन कर लेती हूँ क्योंकि अच्छे से नहीं हुआ, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से जैसे सिंपल चोटी बनाते हैं पहले वैसे बनाएंगे। और टाइटली हाथों से हेयर स्टाइल को बनाते जाएंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लेयर लेके इसके साथ मिक्स करते जाएंगे और हाफ हेयर में, पूरे हेयर में नहीं बनाना है। पूरा वीडियो देखिएगा, हाई बन हेयर स्टाइल है, साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड वेडिंग पार्टी में भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अच्छे से टाइटली कॉम करते जाएंगे और लेयर को मिक्स करते जाएंगे चोटी के साथ। तो मुझे बस यहीं तक चाहिए तो मैं यहीं पे इस तरीके से क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करूँगी। सिक्योर करने से पहले आप थोड़ा सा आगे की तरफ हेयर को ढके लेंगे जिससे कि जो आपकी लाइनिंग है वो प्रॉपर दिखाई दे। थोड़ा सा और बना लेती हूँ इस साइड से, थोड़ा कम लग रहा है, एक एक लेयर और ले लेते हैं। ओके बस यहाँ तक बनाने के बाद से आगे की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा खींचेंगे इसको और आगे की तरफ ढकेलेंगे हेयर को पीछे से, देन क्लिप से सेट करेंगे। क्लिप को कभी भी लगा रहे हो इस तरीके से क्रॉस करके लगाओ तो ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अब आपको अच्छे से कॉम करना है और एक हाई पोनटेल बना लेनी है। हाई पोनीटेल बनाने के बाद से इस तरीके का मोटा रबड़ बैंड ले लीजिएगा। ओके, इस तरीके का रबड़ बैंड लेने के बाद से आप देखो तो पूरा प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है लाइनिंग जो भी है। अभी इस रबड़ बैंड से बैंड को अच्छे से लगाएंगे लूज या टाइट, वो आपकी चॉइस है। मैं थोड़ा सा टाइट रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में मेकअप करने जाना है तो मेरा हेयर स्टाइल मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब आप चाहो तो पोनीटेल रख सकते हो और चाहो तो इसको बन बना सकते हो। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है गाइस तो मैं पोनीटेल तो नहीं रखूँगी, बन बना लेंगे। बन बनाने के लिए आप एक क्लचर ले लोगे इस तरीके का, और अगर आपको लगे कि आपका लुक जो आगे से फ्लैट दिख रहा है थोड़ा सा इसको आप खींच लो इस तरीके से, काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके, और आप इस तरीके से क्लचर लो, दिख रहा है गाइस क्लचर लेके आपको यहाँ पे अपने बालों के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ज़्यादा छोटा क्लचर मत ले लीजिएगा या फिर आपके बाल पतले हैं तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्लचर भी मत लीजिएगा। इस तरीके से करेंगे एंड एक रबड़ बैंड लेंगे जितने में आपका क्लचर अच्छे से हाइड हो जाए, रबड़ बैंड हाइड हो जाए उतना गैपिंग छोड़ते हुए इस तरीके से पतला वाला रबड़ बैंड लगा देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेंगे और सारे हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए रबर बैंड को हाइड करते हुए पीछे से देख लीजिए अच्छे। ओके, और यहाँ पे यूपिन लगा देंगे। यूपिन लगाने का सही तरीका क्या है, थोड़ा सा हेयर लेंगे हम लोग इसका
आपके हेयर के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से लगाओगे तो ये खुलेगा नहीं एंड लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपका हेयर स्टाइल। ओके, अब तीन चार यू पिंस जैसे कि आपका हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक टिका रहे उसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे जैसे मैं मेकअप करने जा रही हूँ तो ब्राइडल के ऊपर पूरा फोकस रहे, मुझे कहीं से भी अनकंफर्टेबल फील ना हो और मैं अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे पाऊँ। तो मैं अच्छे से यूपिंस लगा रही हूँ, आप भी ज़रूर इस तरीके से लगा लीजिएगा खुद का यूपिंस। घर आके निकाल देना कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन कहीं जा रहे हो काम पर या फिर मार्केटिंग तो आपका हेयर स्टाइल जैसे का तैसे रहना चाहिए और इस तरीके का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल आपका बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डेकोरेटेड यूपिंस, अगर आप पार्टी वगैरह बना रहे हो इस तरीके से यूपिंस वगैरह से इसको सजा सकते हो और भी काफ़ी खूबसूरत सा लुक दिखेगा आपका हेयर स्टाइल का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ आप बड़ी बड़ी ईयरिंग्स वगैरह पहन सकते हो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा दिखे और आपका लुक भी काफ़ी स्टाइलिश लगे। तो आप इसको वेडिंग पार्टी में भी ट्राई कर सकते हो, मांकी का यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका ये हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ओके, आप चाहो तो मांगटी का भी यूज कर सकते हो, अगर मांगटी का नहीं है आपके पास तो आप DIY मांगटी का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया है आपको कि कोई भी इस तरीके का स्टार वगैरह लेके या फिर इस तरीके का जो क्लिप आता है वो ले लीजिए, इसमें एक यू पिंस लगा दीजिए और इस तरीके से आप अपने बालों के साथ इसको अटैच करके यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसको छोटी वाली क्लिप से सेट कर लीजिएगा, ये भी कर सकते हो। देन थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इस तरीके का ले लो और इसमें यू पिंस ऐड करो और इसको अपने बालों के साथ इस तरीके से अटैच करके ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे एकदम अटैच कीजिएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और यू पिंस को पीछे की तरफ खींच के या फिर धागा भी लगा सकते हो जिससे कि अच्छे से लुक दे, या फिर आप ईयरिंग्स ले लो सिंपल वाली ईयरिंग्स, ये जो ईयरिंग्स आती हैं इस टाइप की ईयरिंग्स ले लो और इस तरीके से लगा के धागे के साथ अटैच करके और आप बना सकते हो अपना वेडिंग लुक। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।